राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन, बात हुई राजनीति की, बात हुई कला की, बात हुई संस्कृति की, अब बात करेंगे रियल हीरोज की भी, क्योंकि इनके बिना राष्ट्र सर्वोपरि हो ही नहीं सकता है। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले योगेश, योगेश के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि 9 साल में एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हुए लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, और योगेश आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है किस तरीके से आपने ये सोचा कि मैं अलग नहीं हूँ बाकियों से, मैं बाकियों जैसा हूँ, बाकियों से बेहतर हूँ, और वो आपने करके दिखाया। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने बुलाया और इनवाइट किया। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो 2006 से हुई थी। मैं मतलब गांव में गया हुआ था छुट्टियों में, तो फादर आर्मी से थे तो गर्मियों की छुट्टी मनाने गए थे गाँव में, तो वहाँ पर मुझे खेलते खेलते गिर गया था। तो मैं जैसे ही फिर हॉस्पिटल में गए, मुझे एडमिट करा, तो पता चला कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, गुलियर-बान सिंड्रोम, और वो हो गया था। तो मैं 3 साल व्हीलचेयर पे था, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मम्मी ने फिजियोथेरेपी सीखी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रह रहे के, और उन्हीं की वजह से फिर मैं 3 सालों बाद चल पाया, जहाँ पर एक 1% चांस ही होता है गुलियर-बान सिंड्रोम में कि आप खड़े होकर चल पाओगे। 2017 में जब मैं क्यूरोडिमल कॉलेज से बीकॉम कर रहा था और सीए कर रहा था साथ में, तो मैंने अपनी पढ़ाई को ही अपना दोस्त बनाया था, क्योंकि हमें इतना इंक्लूसिव नहीं रखा जाता था सोसाइटी में। क्योंकि आपने आर्मी फैमिली में रह करके लड़ना सीख लिया था, फादर कारगिल युद्ध लड़े हैं इनके। हाँ, मेरे फादर कारगिल वॉर लड़े हुए हैं, और स्पोर्ट्स की जो चाहत है उनकी तरफ से आई है, क्योंकि फादर भी बहुत सारे यूनिट्स में लेकिन गेम होते योगेश थे। जी, स्पोर्ट्स भी नॉर्मल नहीं था, हम डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं करियर्स की, तो लोग डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट या फिर अलग अलग क्रिकेट की बात आ जाती है, डिस्कस थ्रो के बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, और उसमें आपने पूरे भारत का नाम रोशन किया विश्व में। और जब हम बात पैरालंपिक की करते हैं तो और प्लेयर्स से कितना अंतर आ जाता है, और ये विचार आपके मन में कैसे आया कि डिस्कस थ्रो ही आपको खेलना है और इसमें आपको अपना करियर बिल्ड करना है? करियर बिल्ड करने का तो स्टार्टिंग से नहीं था, क्योंकि मैं सीए कर रहा था, तो स्टार्टिंग से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे जो सीनियर थे उन्होंने बताया, सचिन यादव जी ने, कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होता है, तू भी ट्राई कर। तो फिर उनके साथ ही, मतलब मैं फर्स्ट डे जब स्टेडियम में गया था तो मैंने एक ब्लाइंड लड़की को डिस्कस थ्रो करते हुए देखा था, तो मैंने सोचा यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर, मुझे तो सब कुछ दिखता है और मैं ठीक हूँ। तो तब से मेरी फिर डिस्कस थ्रो की जर्नी स्टार्ट हुई थी। आपने डिस्कस थ्रो खेलना शुरू किया, लेकिन जो आपके साथ परेशानी थी, न्यूमेरिकल डिजीज़ थी, उसके न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ थी, और उसके बाद फिर आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और किस तरीके से अपने आप को आपने फिट रखा, तैयारी की, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपकी मदर ने खासकर आपके लिए थेरेपी भी सीखी? तैयारी तो देखो बहुत सारी अच्छी करी, और हमेशा से मैंने यही सोचा था कि मैं ठीक हूँ बस, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है। मैं हमेशा से, मेरे जो कोच भी थे वो मुझे यही सराहना देते कि यार तू सबसे अच्छा है, तू तगड़ा है दूसरों से। लेकिन एक चीज़ थी जो सोसाइटी, बस वहाँ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा तंग रहता था, क्योंकि एक सोसाइटी में जो बुली होते हैं हम लोग, वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पैरा स्पोर्ट्स को इतना मतलब पता नहीं था लोगों को कि पैरा स्पोर्ट्स भी एक चीज़ है, और जब से टोक्यो में पैरा स्पोर्ट्स में 19 मेडल आए, तब से थोड़ा मीडिया की तरफ से मिला कि हाँ पता चलने लगा लोगों को। अभी भी थोड़ी कमी है कि एक सोसाइटी इंक्लूसिव बन जाए हमारी पैरा मतलब पैरा फ्रेटर्निटी की, तो और भी अच्छा होगा।